राहुल गांधी की संसद सदस्यता के रद्द होने के बाद से कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। वो प्रदर्शन के जरिए इसका विरोध कर रही है, जिसकी एक और झलक धार के नालछा ब्लॉक में देखने को मिली, जब कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का आरोप लगा दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय नालछा पर ब्लॉक स्तरीय पत्रकार वार्ता का आयोजन जिला कमेटी द्वारा नियुक्त प्रभारी प्रवीण शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता के मुद्दे पर पंचायत स्तर तक से प्रदेश स्तर तक सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर तक के नेता शामिल होंगे, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। जैसा सभी को विदित है कि विगत दिनों न्यायालय के आदेश पर राहुल जी को 2 वर्ष की सजा होती है और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सत्ता समाप्त कर दी जाती है। उसके विरोध में हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हर ग्राम पंचायत तक जाकर के मीडिया के माध्यम से अपनी बात करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम 30 अप्रैल तक हमारा विरोध दर्ज इस प्रकार से होगा, जो कि चरणबद्ध हम आंदोलन करेंगे। हम लोग कांग्रेस के जो भिन्न भिन्न संगठन हैं, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इनके माध्यम से पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे और जन जन की जो भावना है वो हम सब तक पहुँचाएँगे। इसके पश्चात हम हर जिला मुख्यालय पे जो कलेक्ट्रेट है उसका कांग्रेस से मिलकर के घेराव करेंगे और अगर वहाँ भी हमारी बात को ऊपर तक नहीं पहुँचा गया, हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो इसके पश्चात हम 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य जिला प्रदेश मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें इस समस्त व्यक्ति की सहभागिता होगी जिसका लोकतंत्र में विश्वास है। अभी हमारा सीधा सीधा आरोप है कि राहुल जी ने एक कड़वा सत्य सभा पटल पर ले आए हैं अडानी के मुद्दे को लेकर के, तो उस विषय को दबाने के लिए इस प्रकार से तुरंत फुरत में कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जो लोग वर्षों से सरकारी बंगलों में जमे हुए हैं, अब सब जानते हैं, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया ना उनसे खाली करवाया गया, लेकिन राहुल जी की जैसी सदस्य समाप्त कर दी गई लोकतांत्रिक तरीके से, उसके पश्चात उनको बंगला खाली करने के लिए निर्देशित किया गया। राहुल जी ने भी बगैर किसी विचार के और तुरंत उस सचिवालय के लेटर के आदेश का पालन करते हुए उस बंगले को खाली कर दिया है। कांग्रेस इसका विरोध करती है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी है कि जिसमें आप तुरंत फुरत बिना कोई रीति को अपनाएं आप राहुल जी के समस्त सुविधाएं छीन रहे हैं। कांग्रेस इसके विरोध में देश भर ही नहीं, पूरे अभी तो पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में, हर ग्राम पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर मंडलम में इसका प्रदर्शन करेगी, इसका विरोध दर्ज कराएगी। आज हमारे ब्लॉक स्तर पर जिला मुख्यालय द्वारा राहुल जी को जो सजा सुनाई गई है उसके उसके मद्देनजर रखते हुए प्रेस वार्ता की गई, जिसमें धार से जिला प्रवक्ता प्रवीण शर्मा जी आए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता की और जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के बारे में भी कुछ बताया। आगे जो कांग्रेस के द्वारा आएंगे उसमें पंचायत लेवल तक और बूथ लेवल तक आंदोलन किया जाए एवं जन जन तक जय भारत सत्याग्रह का बताया जाए। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष रेखा जीतेंद्र मालीवाड़, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद इंदुरकर, युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष पीयूष ग्वाल, संदीप पवार, ऋषिराज जायसवाल, लकी सेन, दादू दरबार, नयन जीन समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, मांडू।